हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली माय लिपस्टिक कलेक्शन। गाइस, यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माय लिपस्टिक कलेक्शन। काफी टाइम से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप अपना लिपस्टिक कलेक्शन वीडियो शेयर करो, एंड मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। फाइनली मैंने शूट कर लिया, बस इंट्रो एंड आउट्रो शूट नहीं किया था। आज मैंने सोचा चलो इंट्रो एंड आउट्रो शूट कर लेती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ माय लिपस्टिक कलेक्शन। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट जो भी है बहुत है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज हमेशा आते रहता है एंड मैं इसके चक्कर में बोल के वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बट अब इंट्रो के लिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना, तो इसके लिए बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करिएगा। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरा लिपस्टिक कलेक्शन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कॉमेंट कर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एंड थोड़ा सा आवाज अलग आ रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत हैवी कोल्ड हुआ है इसके वजह से, उसको इग्नोर करिएगा। हर चीज़ तो मैं हमेशा बोलती हूँ इग्नोर ही करिएगा। एनीवेज, तो ये है मेरा लिपस्टिक का डिब्बा और ये है पूरा लिपस्टिक कलेक्शन। बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बट कम भी नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे पास बहुत लिपस्टिक है। तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ इनसाइड का नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक। इसे मेरे पास दो शेड है, एक 02 और एक 11 शेड। मैं सब लिपस्टिक का स्वचेस एंड शेड नंबर बताते जाऊँगी जिस पर मेंशन होगा। जो मेरे पास पुराना लिपस्टिक है उस पर मेंशन नहीं है तो उसको इग्नोर करिएगा। एंड आप देख सकते हो ये रेड शेड है, ये शेड नंबर 02 है। परफेक्ट ब्राइट शेड रेड है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है 11 शेड, ऑल टाइम माय फेवरेट शेड। एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इनसाइड का बुलेट लिपस्टिक। आप देख सकते हो मैट लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड जो भी है मैं आपको शो कर रही हूँ। आप देख सकते हो अच्छा खासा क्वांटिटी मिल जाता है। ये वाला शेड जो है 82 है शायद, और ये काफ़ी अच्छा शेड है। आप देख सकते हो प्रॉपर पिंक न्यूड टाइप का शेड है, डेली बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है बॉन करके है कुछ शेड, बहुत ज़्यादा अच्छा शेड, एकदम ब्राइट शेड है, ऑल टाइम माय फेवरेट। एंड उसके बाद ये वाला लिपस्टिक शेयर कर रही हूँ, ये है लैक्मी का माय फेवरेट शेड। आप खुद ही देख सकते हो, मैं अभी शो करूँगी आप लोग को, ऐसा नहीं शो नहीं करूँगी। ये लैक्मी का है और इसका शेड नंबर है 2267 एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है। एंड नेक्स्ट है लैक्मी का 925, जिसमें शेड मेंशन नहीं है क्योंकि ये मेरे शादी के टाइम का है एंड तब से मैं यूज़ कर रही हूँ, 3 इयर्स हो चुका है। एंड ये भी एकदम ब्राइट सा शेड है, कॉफ़ी कलर। तो कॉफ़ी शेड, ब्राउन शेड ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी आप मेरे कलेक्शन में एक चीज़ नोटिस करिएगा कि सबसे ज़्यादा शेड मेरे पास कॉफ़ी, ब्राउन, न्यूड, यही आपको मिल जाएगा। रेड शेड बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ब्राइट शेड बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे कॉफ़ी कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरी स्किन पे भी काफ़ी अच्छा शूट करता है। एंड उसके बाद मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिपस्टिक। इसमें मेरे पास दो शेड है, एक 11 और एक 01 है आई थिंक, एक रेड है एक न्यूड है, आप खुद ही देख सकते हो। दोनों मेरा फेवरेट शेड है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोनों। आपको कैसा लगता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी का लिप क्रियॉन, इसमें शेड है बैरी 212। आप देख ही सकते हो एकदम प्रॉपर पिंक शेड है, प्रॉपर जो डार्क पिंक शेड होता है ना वही शेड है। एंड उसके बाद है मेरे पास ये शेड नंबर 7 डार्लिंग इशाबेला का, थोड़ा मैं कम यूज़ करती हूँ, जो लिपस्टिक मुझे ज़्यादा अच्छा लग जाता है ना मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके लिए ये सब लिपस्टिक ना वीडियोज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपने देख ही लिया शेड उसका। एंड ये है आई एम एम्स्टरडैम का, जो मैंने जब से नया लिया तब से रखा है। चैलेंज वैलेंज वीडियो में एक आध बार यूज़ कर लेती हूँ बस, क्योंकि ये पिंक कलर है और ये ऐसा पिंक है जो मेरे फेस पे वॉशअप करता है, इसके लिए मुझे मेरे ऊपर अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। बट क्या करूँ, अब है तो कलेक्शन में दिखा ही रही हूँ आप लोग को। एंड नेक्स्ट है एलिटीन का कलर पॉप लिपस्टिक, एंड शेड आप देख ही सकते हो दिख रहा है, काफ़ी अच्छा शेड है। मैं हमेशा ना जब भी कोई शेड लेती हूँ ना, एक न्यूड, एक बोल्ड मतलब रेड बोल्ड या फिर डार्क कलर का सेम ब्रांड का, मैं हमेशा दो लिपस्टिक ज़रूर लेती हूँ। आप खुद ही देख सकते हो मेरे पास हर चीज़ दो दो है। तो ये भी एक ब्राउन न्यूड है और एक रेड कलर का है, सी आप खुद ही देख सकते हो। एंड नेक्स्ट है मेरे पास स्टे क्वर्की का बेडास लिक्विड लिपस्टिक, एंड इसका शेड, ओ माई गॉड आई लव इट,
लव इट गाइस। इसका शेड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ये ड्राई लिप वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी लिप बाम लगा के करोगे ना, ये एकदम जैसे लगेगा कि पपड़ी जम गया है। बहुत ज़्यादा प्राइजी भी है, लेकिन ओके ओके काइंड ऑफ है। पहले ज़्यादा यूज़ करती थी, अभी थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट है NYBA का, जो सब हट चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, दो ढाई साल हो गया ये लिपस्टिक को लिए हुए। एंड इसका शेड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में इसको शेयर किया है एंड बहुत ही अच्छा सा लिपस्टिक है। एंड नेक्स्ट मैं दो लिप क्रियॉन शेयर करी, एक NYBA का, एक स्टे क्वर्की का। स्टे क्वर्की वाला ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम हटता ही नहीं है लिप्स से, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और शेड भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा है, मैं इतना मुझे नहीं पता, डार्क पिंक लाइट पिंक आप खुद ही देख सकते हो कैसा कैसा शेड है। बट ये जो स्टे क्वर्की वाला है ना, हाईली रिकमेंडेड है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्लू हेवन का वॉक फ्री, जो इंटेंस करके आ रहा है शायद इस टाइम पे। इस शेड नंबर आपने देख ही लिया, 302 ऐसे शेड नंबर है, 302 ऑरेंज शेड है, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज शेड नहीं था तो मैंने यही बाई किया था ऑरेंज शेड के लिए। एंड नेक्स्ट आप ब्यूटी मॉडल करके एक लिपस्टिक आती है, जिसका 4 या 5 का पैक एक साथ मिलता है आई थिंक फ्लिपकार्ट पर, बट ये मुझे गिफ्ट है, गिफ्ट मिला था। तो सब जो जो मैंने जैसा यूज़ किया है, मैं वीडियोज़ में यूज़ नहीं करती, क्योंकि वीडियोज़ में ना स्पेशली ब्रांड्स बताने पड़ते हैं कि कौन सा ब्रांड है, तो ये सब मैं उतना वीडियोज़ में कम यूज़ करती हूँ, ऐसे नॉर्मल डेली बेसिक पे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। शेड आप देख ही सकते हो मेरे पास डार्क शेड आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरे फेस पे लाइट शेड अच्छे नहीं लगते, डार्क शेड ज़्यादा अच्छे लगते, इसके लिए मेरे पास डार्क शेड की लिपस्टिक ज़्यादा है। रेड ऑरेंज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है मेरे पास। तो सारा तीनों शेड मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया, आपने देख ही लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लिपस्टिक के ऊपर, नेक्स्ट कौन सा है पता नहीं, चलो देखते हैं। हाँ आई थिंक ये ADS का काफ़ी चला था, मैंने कप्स एंड लेंसेज से बाई किया था काफ़ी टाइम पहले, 2 साल हो गए। ऑरेंज शेड है, 25 या 30 रुपीस का मिलता है ये लिपस्टिक। लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होता, बट हाँ अच्छा है, पिगमेंटेड है, और कुछ नहीं बोलूँगी। और नेक्स्ट ये है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, 2-3 साल पहले ही लिया था, अभी जो रिसेंट में मैंने बाई किया है सब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। ये सब मेरे पास पुराना पुराना पड़ा हुआ है, जो मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। ये NYBA का है, 6 का सेट आता है, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, हर जगह आपको मिल जाता है 6-12 का शेड, शेड पूरा मिलता है, 100-200 तक आराम से मिल जाता है। बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं रहता, ओके ओके रहता है। तो आप मेरे पास 3 शेड था, 2-3 शेड तो मैंने सबको बांट ही दिया है, बस यही 3 शेड मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि यूज़ किया और लिपस्टिक मैं जल्दी किसी को नहीं देती हूँ, न्यू रहता है तो फिर दे देती हूँ, बट क्या यूज़ किया हुआ बस अपनी सिस्टर को देती हूँ, बाकी किसी को नहीं। तो ये एक ऑरेंज शेड है, एक मेरे पास और भी था लिपस्टिक, एक नहीं कम से कम 3-4 और भी लिपस्टिक था, जो मैंने अपनी बहन को दे दिया था जब मैं गई थी लास्ट टाइम। तो वो था मेरे पास नायका का मिनी लिपस्टिक, अमेजिंग सा। एंड एक था NYBA का बुलेट लिपस्टिक, वो भी बहुत मस्त वाला था, तो उसे मैंने अपनी बहन को दे दिया। और ये वाला लिपस्टिक का शेड आप देख सकते हो, ये मैं डेली में यूज़ करती हूँ, मतलब कहीं जाती हूँ बाहर तो डेली के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। एंड ओनली 40 रुपीज़ से लोकल मार्केट में मिला था, ओनली 40 रुपीज़ का, बट कितना मैसेज आ रहा है एक साथ। एनीवेज, ये जो नेक्स्ट लास्ट वाला लिपस्टिक था, ये मेरे क्या बोलते हैं शादी के टाइम का ही है, आप देख ही सकते हो एकदम शादी मैंने यही शेड अप्लाई किया था। कौन इतना मैसेज कर रहा है भैया, थोड़ा देर रुक जाओ। एंड ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था डेली यूज़ करने के लिए, बट मैंने बोला ना मेरे फेस पे लाइट शेड नहीं अच्छे लगते हैं, तो बस वो ले के रखा हुआ है और कुछ भी नहीं। तो यही था मेरा पूरा लिपस्टिक का कलेक्शन। आपको कैसा लगा, कौन सा शेड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? ये तो स्टार्टिंग की जो लिपस्टिक्स है ना, वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़ में भी। एंड अभी मैं ये सब पता नहीं क्यों यूज़ नहीं कर रही, बट अब मैं धीरे धीरे फिर से यूज़ करके उसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि फिर 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा, 23 तक बहुत सारी लिपस्टिक मेरा एक्सपायर हो जाएगा, जो मैंने ओल्ड मेरे पास रखा हुआ है, तो अभी नेक्स्ट टाइम से यूज़ करूँगी। अफोर्डेबल मेकअप ज़्यादा करती हूँ, तो फिर अफोर्डेबल में उस हिसाब से यूज़ करते हैं ना। बट मेरा जो बीच वाला है, पर्पल वाला, लैक्मी वाला, वो मेरा फेवरेट है गाइस, फेवरेट।
एंड यही है मेरा पूरा लिपस्टिक कलेक्शन। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा मेरे चैनल को। तो चलो अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।